हमारे समाज में किसी की मृत्यु होने के बाद उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध क्रम करने की प्रथा सदियों से चली आ रही है, जिसमें काफी खर्च होता है। कई बार तो क्रम कांड का खर्च इतना बड़ा हो जाता है कि लोग कर्ज की बोझ के तले डूब जाते हैं, जिससे उबरने में कभी कभार लोगों को सालों लग जाते हैं। इस कुप्रथा को साहित्यकार प्रेमचंद ने अपनी कहानी सवा शेर गेहूं में भी बखूबी दर्शाया है कि यह कुप्रथा हमारे लिए किस तरह अभिशाप बना हुआ है। किंतु इसी प्रथा के बीच एक ऐसी प्रथा भी प्रचलित हो रही है जो महज एक लोटा जल के साथ श्राद्ध क्रम करवा सकता है और उसी में आत्मा की शांति के लिए सारा क्रम संपन्न हो जाता है। और यह प्रथा लोगों के बीच काफी प्रचलित हो रहा है और लोग सब कुछ को समझते हुए इसे अपना भी रहे हैं। यह प्रथा है आनंद मार्ग का। जी हाँ, इस प्रथा को मानने वाले एक लोटा जल से ही कर्मकांड को पूरा करवाते हैं, क्योंकि इस प्रथा के मानने वाले लोगों का मानना है कि भोज एवं अन्य खर्च पीड़ित परिवार पर बोझ डालने वाला आडंब है, जिससे हमें दूर रहना चाहिए। यही वजह है कि आनंद मार्ग को मानने वाले नामी अधिवक्ता सत्यनारायण विश्वास का श्राद्ध क्रम भी महज एक लोटा जल के साथ ही संपन्न कराया गया। आप देख सकते हैं कि उनके पथ के अनुयायी एवं परिजन सभी मिलकर पहले एक जग पानी लेते हैं, फिर उस जल के साथ ही मंत्रोच्चारण कर कर्मकांड पूरा किया जाता है और फिर उस जल को प्रसाद के रूप में सभी को ग्रहण करवाया जाता है। इतना ही नहीं, इस प्रथा में शादी भी बगैर दहेज और जाति रहित किया जाता है, जिसे विप्लवी विवाह कहा जाता है। यह प्रथा रूढ़िवादिता पर कड़ा प्रहार माना जाता है। बताया गया कि अधिवक्ता सत्यनारायण विश्वास ने 1982 में इस राह को चुना था, जिस पथ पर उनका पूरा परिवार आज भी चल रहे हैं। कर्मकांड कराने वाले बाबा के मुताबिक यह प्रथा आडंब से मुक्त है। वहीं दिवंगत अधिवक्ता सत्यनारायण विश्वास के पुत्र राकेश विश्वास ने कहा कि उन्होंने पिता के वचनों का पालन करते हुए जॉब में रहने के बावजूद जाति रहित एवं दहेज रहित शादी की और पिता का कर्मकांड भी आनंद मार्ग के नियम के अनुकूल ही किया है, क्योंकि इस मार्ग में कोई आडंब नहीं है और एक लोटा पानी से पूरा कर्मकांड संपन्न हो जाता है। जिसमें कि बाह्य आडंबर किसी भी तरह का नहीं होता है, ना ही आप किसी भी पंडित को किसी तरह का दान करते हैं। और ये जो प्राणी जो प्रथा थी, जिसमें कि लोगों को बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते थे, अन्नदान करना होता था या वस्तुदान करना होता था, ऐसी कोई भी परिपाटी को इसमें नहीं किया जाता है। ये केवल वैदिक मंत्रों को कारक उच्चारण के साथ दिवंगत आत्मा की शांति के लिए एक प्रार्थना है। अच्छा, एक साधारण परिवार के लिए कितना सरल कितना इजी है ये? ये किसी भी छोटा साधारण से साधारण परिवार और बड़े से बड़े लोग इसमें बिना किसी खर्च के, बिना किसी भी तरह का खर्च नहीं है, केवल एक लोटा पानी है जो कि वो घर में उपलब्ध होता है, उसके लिए कोई खर्च नहीं करना होता है। और बस आप इसका साधारण पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं और पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैदिक रीति को लेते हुए उनके मंत्रों का उच्चारण करते हुए उनके आत्म शांति के लिए। अच्छा, दिन कितना दिन लगता है इसमें करने में? बहुत ज़्यादा समय लगता है या फिर एक दिन में आप कर लेते हैं? यह साधारण अनुष्ठान आप 12 दिन के अंदर कभी भी आप अपनी श्रद्धा के अनुसार कर सकते हैं और पूरा प्रक्रिया जो साधारण अनुष्ठान का है वो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में समाप्त वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। अच्छा, आपका आप लोग कितने दिनों से इस पद्धति से, इस आनंद मार्ग से आप लोग जुड़े हुए हैं? एक्चुअली हम लोगों के हम भाई बहन की जो है शिक्षा दीक्षा आनंद मार्ग स्कूल से हुई है और उसमें ही हम लोग जो है हमारे पापा मम्मी सारे लोग 1982 से इसमें दीक्षित हुए हैं, इस पद्धति को लेकर चल रहे हैं। इसके सारी और जो और भी विधियाँ हैं उस हर चीज़ को हम लोग अक्षर से पालन करते हुए आगे बढ़े। जातिवाद का कोई स्थान नहीं, हम लोगों ने सब भाई बहन सब कोई हम लोगों ने अंतरजातीय विवाह किया है। अंतरजातीय विवाह से थोड़ा सा आगे बढ़ के हम लोग उसको विप्लवी विवाह करते हैं, जिसमें कि दान दहेज एक आने का भी नहीं लिया जाता है। हम लोगों ने सभी भाई एक अच्छे पद पर होने के बावजूद भी हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है पुराने रीति लोग विवाह वाले अच्छे अच्छे दहेज लेकर आए, अच्छी अच्छी रिश्ते आई कि हम जो है हमारे यहाँ इस दहेज को लेकर स्वीकार करके शादी की, लेकिन हम लोगों ने सबको ठुकरा दिया जो आनमर से बिना दान दहेज का अंतरजातीय विवाह किया। इस कर्मकांड को संपन्न कराने की जो प्रथा रही उसे लोगों ने आडंबर पर जबरदस्त प्रहार मानते हुए
इसकी जमकर तारीफ की। समाज सेवी चंद्रशेखर विश्वास के विचार में यह प्रथा काफी बेहतर है और वे दिन दूर नहीं जब लोग इसी प्रथा को अपनाकर कर्मकांड संपन्न करेंगे। उन्होंने कहा कि अभी 205 देशों में यह प्रथा चल रहा है। आनंद मार्ग मूर्ति द्वारा रचित चरियाचरी द्वारा ये श्राद्ध क्रम, इसमें किसी तरह का आडंबर नहीं है। शोषण मुक्त समाज का यह संकेत देता है। गरीब से गरीब लोग भी अपने श्राद्ध क्रम अनुष्ठान आनंद मार्ग सिस्टम से कर सकता है। शोषण इसमें नहीं है, शोषण नहीं है। तो ये क्या मानते हैं कि अब जो लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में, उनको भी जानने की जरूरत है, उनको भी इस मार्ग में आने की जरूरत आपको लग रहा है? बिल्कुल, एक समय ऐसा आएगा कि आनंद मार्ग सिस्टम को हर आदमी को ये अपने जीवन में उतारना पड़ेगा, हर एक आदमी। ये खास करके आनंद मार्ग एक संपूर्ण जीवन दर्शन, आज से इस धरती पर एकमात्र आनंद मार्ग संपूर्ण जीवन दर्शन के साथ आया है। और इनके सानिध्य में रह करके गार्जन सिंह हमारा उनके साथ था और उनके ही कृपा से आज पॉलिटिकल क्षेत्र में भी और साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में हम अच्छा भूमिका निभा रहे हैं, ऐसा हमारा मानना है। अच्छा काम करो, परमात्मा तुम्हारे साथ है, तुम्हें हमेशा मदद करते रहे। ये बातें हमें बहुत ज्यादा प्रभावित करती आ रही है। बताया गया कि अधिवक्ता सत्यनारायण विश्वास 70 वर्ष की उम्र में 7 फरवरी 2019 को निधन हो गया था, जिनका कर्मकांड 12 दिनों के अंदर ही करवाना था, जिसे महज एक घंटे में निपट लिया गया। आनंद मार्ग प्रचारक संघ के एक वरिष्ठ साधक एडवोकेट सत्यनारायण विश्वास जी गुजर गए हैं, उनका श्राद्ध अनुष्ठान आनंद मार्ग के चार्याचार्य के अनुसार संपन्न हुआ। आज पूर्णिया के जिले के एवं अन्य जिलों से उनके आत्मीय परिजन लोग आए हैं और बहुत ही सीधे साधे तरीके से बिना कुछ डॉगमा के, बिना अंधविश्वास रहित श्राद्ध अनुष्ठान संपन्न हुआ। यह आनंद मूर्ति जी जो इस संस्था के संस्थापक हैं, उसने अपने किताब चराचरी में श्राद्ध की विधि दिए हुए हैं, उसी के अनुसार ये पालन हुआ, जो किसी तरह के अंधविश्वास डॉगमा से परे हैं। विशुद्ध वैदिक उच्चारण के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ मृतक आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया और ये संपन्न हो रहा है बहुत ही भावभीनी तरीके से। इनके परिवार में 2 सुपुत्र 1 पुत्री हैं, तीनों ही अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टेड हैं और अब इनके जो गृहस्थी हैं अब वो लोग चलाएंगे और आनंद मार्ग प्रचारक संघ का बृहत परिवार इन परिवार के साथ पूरी संवेदना के साथ, पूरी दृढ़ता के साथ इनके साथ रहेंगे। आडंबर रहित है, कुछ नहीं इसमें है, न खाना है, न पीना है, न भोज है, न भात है, केवल श्राद्धकर्ता एक लोटा पानी लाए और श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, परमात्मा को साक्षी रखकर उनको सौंप दिया गया, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं होगा। इसीलिए आप मानते हैं कि ये आडंबर नहीं है? जी ठीक। के नाम जानना चाहेंगे सर आप? आचार्य परमानंद अवधूत। अधिवक्ता सत्यनारायण विश्वास अपने परिवार में 2 पुत्र राकेश कुमार, मुकेश कुमार के साथ भरा हुआ परिवार छोड़ गए हैं।